हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जो मेजर पैसा अपना स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी जो इंडिया की पहली 250 कंपनी है उसके बाद के जो सारी कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है उनमें मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरा नाम पुनीत नागपाल है मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहला फंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे पहले इसके रिटर्न देख लेते हैं यहाँ पे हम लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न देखेंगे और फंड के रिटर्न हम कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स से यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो 250 फिफ्टी स्मॉल कैप टी है टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसको रिटर्न से हम कंपेयर करेंगे

और इंडेक्स में फिफ्टीन पॉइंट वन सिक्स परसेंट की ग्रोथ हुई है लास्ट सेवन ईयर्स की बात करें तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने एटीन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट रिटर्न दिया है और आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप इंडेक्स से तो पिछले अगर लंबे टाइम में बात करें तीन साल पांच साल सात साल के तो काफी अच्छे रिटर्न एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने दिया है और इंडेक्स को भी काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है चलिए अब फंड के बारे में और जान लेते हैं ये फंड स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर टू थाउजेंड थर्टीन को इसका एसेट एंडर मैनेजमेंट एट थाउजेंड वन सेवेंटी नाइन करोड का है यानी टोटल इतना पैसा भी इन्वेस्टेड है इस फंड में टोटल इसका लार्ज uh, कैप में ज्यादा पैसा नहीं है पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ही है मिड कैप में फाइव पॉइंट थ्री परसेंट है और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप में सिक्सटी नाइन पॉइंटेंट का एक्सपोजर है इसमें टोटल सिक्सटी फोर कंपनीज में एट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है और टॉप के टेन जो स्टॉक्स हैं उसमें थर्टी का एक्सपोजर है अब इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं टॉप के फाइव स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें इसमें इन्वेस्टमेंट है वो है गैलेक्सी सरफेक्टेंट्स बिरला सॉफ्ट ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, नारायणा हृदयालय टाटा एक्सी जैसी कंपनीज हैं। टॉप के फाइव स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है वो ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट के करीब है टॉप के फाइव सेक्टर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में एटीन परसेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सिक्सटीन परसेंट केमिकल सेक्टर में ट्वेल्व पॉइंट थ्री परसेंट एफ एम सी जी में टेन परसेंट और हेल्थ केयर सेक्टर में एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का इन्वेस्टमेंट है चलिए अब अपने दूसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं एस बी आई स्मॉल कैप फंड इसके रिटर्न देख लेते हैं हम लमसम के रिटर्न हम फोर्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के देख रहे हैं वन ईयर की रिटर्न की बात करें तो फोर्टी वन पॉइंट एट सेवन परसेंट का रिटर्न है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है एस कंपेयर टूट स्मॉल कैप इंडेक्स लास्ट थ्री इयर्स की बात करें तो थर्टी पॉइंट सेवन एट परसेंट का रिटर्न है और आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप इंडेक्स को लास्ट फाइव इयर्स की बात करें तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एट परसेंट का रिटर्न दिया है एस बी स्मॉल कैप फंड ने वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में फिफ्टीन पॉइंट वन सिक्स परसेंट का रिटर्न है लास्ट सेवन ईयर्स की बात करें तो एस स्मॉल कैप फंड ने नाइनटीन का रिटर्न दिया है और इंडेक्स में थर्टीन का रिटर्न आया है पिछले दस साल की बात करें तो स्मॉल कैप फंड एस के ट्वेंटी का बहुत ही बढ़िया रिटर्न है और वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स का 14 परसेंट का रिटर्न देखने को मिला है स्मॉल कैप एस बी आई स्मॉल 11,250 करोड़ का स्मॉल कैप स्टॉक्स में 62.57 टू का इन्वेस्टमेंट है टोटल इसमें स्टॉक्स जो टॉप के 10 स्टॉक्स है उसमें थर्टी का एक्सपोजर है पोर्टफोलियो देख लेते हैं शीला फॉर्म ई एल की वाई इक्विपमेंट्स ब्लू स्टार कार्बोरेंडम यूनिवर्सल हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स जैसी कंपनीज में है जो टॉप की फाइव कंपनीज हैं और इसका आ, सेक्टर्स देख लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फिफ्टीन परसेंट इंजीनियरिंग सेक्टर में ट्वेल्व परसेंट केमिकल सेक्टर्स में ट्वेल्व परसेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में ट्वेल्व परसेंट और सर्विसेज सेक्टर्स में इलेवन परसेंट का पोर्टफोलियो है अब इस अपने नेक्स्ट फंड की तरफ चलते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड इसकी रिटर्न्स देख लेते हैं जल्दी से लास्ट वन ईयर की बात करें तो 54.53 परसेंट का रिटर्न है आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप इंडेक्स को थ्री इयर्स में 36.21 परसेंट का रिटर्न है अगेन इंडेक्स से ज़्यादा है फाइव इयर्स में 20.86 परसेंट का रिटर्न दिया है कोटक स्मॉल कैप फंड ने और सेवन इयर्स की बात करें तो 18.46 परसेंट का रिटर्न है और टेन ईयर्स में ट्वेंटी का रिटर्न है आप देख रहे होंगे कंसिस्टेंटली अपने स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट किया है और अच्छे रिटर्न दिए हैं कोटक स्मॉल कैप फंड ने स्टार्ट डेट की बात करें तो ट्वेंटी फोर्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड फाइव को ये फंड स्टार्ट हुआ था एयूएम हो चुका है सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ का लार्ज कैप में टू पॉइंट टू नाइन परसेंट एक्सपोजर है मिड कैप स्टॉक्स में इलेवन पॉइंट सिक्स थ्री और स्मॉल कैप स्टॉक्स में सिक्सटी नाइन परसेंट का पोर्टफोलियो है टोटल सेवेंटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है टॉप के टेन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो थर्टी फाइव पॉइंट सेवन एट परसेंट का है टॉप के फाइव फाइव स्टॉक्स की बात करें तो सेंचुरी प्लाई शीला फोम कार्बोरेंडम यूनिवर्सल परसिस्टेंट सिस्टम सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज़ हैं टॉप के फाइव सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सिक्सटीन परसेंट केमिकल्स में फोर्टीन परसेंट मेटल्स में टेन परसेंट एफ में टेन परसेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर में एट परसेंट का एक्सपोजर है तो ये थे तीन फंड्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ स्मॉल कैप के लेकिन आपको ध्यान रखना होगा स्मॉल कैप फंड्स थोड़े रिस्की होते हैं तो अगर इनमें आप इन्वेस्ट करिए तो मिनिमम आठ से दस साल या उससे ज्यादा के टाइम के लिए करिए और अपना पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्मॉल कैप फंड्स में नहीं देना होता अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज आप कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी आई होप आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स गुड बाय